Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 6, major landforms of the earth. Students, in this video we'll discuss about plateaus, plains and mountains. I hope you all know that earth is not uniform. You all have seen mountains, you all have seen plateau and plains. Okay, so somewhere we have thousands meter above sea level, jo sea level hai bacha, usse थाउजेंड्स ऑफ मीटर भी अर्थ सरफेस आपको मिल जाएगा, प्लस कहीं पर आपको प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लाटोज मिलेंगे. और बच्चा ये फ्लैट लेवल लैंड, माउंटेन्स, प्लाटो, यही क्या बनाते हैं इनको, ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीफ फीचर और लैंड फॉर्म्स. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म, बिल्कुल नहीं है. एट सम प्लेसेज इट इज़ सेवरल थाउजेंड मीटर अबव मीन सी लेवल, कहीं पर ये मीन सी लेवल से बहुत ऊपर है, कहीं पर ये फ्लैट है, लेवल है. और ये जो वेरिएशन है जो अर्थ सरफेस के ऊपर है उसको हम रिलीफ फीचर या लैंडफॉर्म बोलते हैं. ठीक है, डू यू नो दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट टेकिंग प्लेस विदिन द अर्थ, क्या आप लोगों को पता है कि अर्थ के अंदर कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रही है. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पता भी हो, पर बच्चा उस मूवमेंट को कभी फील नहीं कर पाएंगे. समझ में आई बात, बस वो हो रही है, अर्थ के अंदर मूवमेंट हो रही है. जिस ग्राउंड के ऊपर हम लोग खड़े हैं दैट आर ऑल्सो मूविंग कंटिन्यूअसली. The landform on the earth's surface have been created and developed by two forces. Whatever landforms you and I, we both are seeing, is the result of tectonic forces and gradational forces. Two forces are there which is working on the earth. Tectonic, which works from internal or the inside the earth, and gradational forces which work on earth but from outside the earth. Okay, kuch forces honge jaise अगर हम बात करें टेक्टोनिक फोर्सेस की, तो टेक्टोनिक फोर्सेस अंदर से काम करते हैं और अर्थ के ऊपर इरेगुलरिटीज क्रिएट करते हैं. और जो ग्रेडेशनल फोर्सेस होंगे बच्चा, वो अर्थ के ऊपर से काम करते हैं और अर्थ के ऊपर इरेगुलरिटीज क्रिएट करते हैं. ठीक है, टेक्टोनिक फोर्सेज विच ओरिजिनेट विद इन द अर्थ, जो अर्थ के अंदर से आए, लाइक अर्थ को एक वॉल्केनिक एरप्शन, ये सब अर्थ के अंदर से होता है. ठीक है, द टेक्टोनिक और इंटरनल फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिस्टेंस ऑफ अर्थ सरफेस. कई बार अर्थ का सरफेस जो यहाँ था वो और नीचे की तरफ चल जाएगा, कई बार प्लेन था तो उठ जाएगा. ठीक है, ग्रेडेशनल फोर्सेज ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ. ग्रेडेशनल फोर्सेज अर्थ के ऊपर काम करते हैं पर अर्थ के बाहर से. इट मॉडिफाइज द इरेगुलरिटीज क्रिएटेड बाय इंटरनल फोर्सेज. इनका काम क्या है, मॉडिफाई करना वो सारी इरेगुलरिटीज क्रीस ने क्रिएट की थी इंटरनल फोर्सेस ने. द ग्रेडेशनल और एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली वियर डाउन एंड फीबल लैंड सरफेस. जो ग्रेडेशनल फोर्स है, जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हो, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है बच्चा, लैंड सरफेस को रीबिल्ड कर रहा है. ठीक है, या कहीं से वियर डाउन भी कर रहा है, कहीं से हटा रहा है और कहीं पर बना रहा है. द वेयरिंग अवे ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इरोजन. अच्छा, जब आप अर्थ का कोई सरफेस वियर हो रहा है, कहीं कहीं किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इरोजन. इट कॉजेज द लोअरिंग ऑफ द सरफेस. इससे सरफेस लोअर हो जाएगा. जैसे यहाँ पर एक एरिया था, अब इससे कंटिन्यूस इरोजन हो रहा है और वो यहाँ पर सब में डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ से तो जो लेवल है वो नीचे की साइड आ जाएगा, लोअर हो जाएगा, और यहाँ पर जो लेवल था वो हाई हो जाएगा. द रीबिल्डिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज डन बाय डिपोजिशन. जो कहीं से जो इरोजन हो रहा था वो कहीं ना कहीं जाकर जो डिपॉजिट होगा ना, इससे रीबिल्डिंग होगी. द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन आर मोस्टली कैरीड आउट बाय, कौन करेगा इरोजन एंड डिपोजिशन. तो इरोजन डिपोजिशन के लिए दो फैक्टर काम करते हैं, पहला है वाटर और दूसरा है विंड. वाटर भी बहुत सारी मटेरियल्स को इरोड करके ले जाता है, सेम विंड करती है ना. बच्चा एक और है जिसका नाम है ग्लेशियर रनिंग वाटर, ग्लेशियर विंड एंड सी वेव्स. ओके, फोर फैक्टर्स आर देयर बट बेसिकली टू आर वर्किंग ऑन अ मैसिव स्केल और अ लार्ज स्केल, बट ग्लेशियर इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर इरोजन एंड डिपोजिशन एंड सी वेव्स. ओके, सी वेव्स भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह एक्यूमुलेट कर देती हैं, एक जगह से इरोड करती हैं, दूसरी जगह एक्यूमुलेट कर देती हैं, सेम ग्लेशियर का काम है. The way the landforms have developed on the surface offer a sound basis for their classification. बच्चा जितने भी landforms अर्थ के ऊपर डेवलप हुए हैं उन सब को हम क्लासीफाई कर सकते हैं. द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ landforms क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन, रिलीफ एंड स्लोप. बच्चा थ्री टाइप के हम लोग क्लासीफिकेशन कर रहे हैं किसके, landforms के, जो कि हैं
किसके बेसिस पे, उनके एलिवेशन को लेके, उनके रिलीफ फीचर को लेके या उनके स्लोप्स को लेके, और वो है माउंटेन्स, प्लेटोस एंड प्लेन्स. ओके, फर्स्ट विल रीड अबाउट माउंटेन्स. माउंटेन्स इज अ ह्यूज लैंड मासेस विच राइजेज मोर देन 900 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. मीन सी लेवल से बच्चा 900 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है. अबाउट हाफ ऑफ द माउंटेन सरफेस शुड हैव स्टीप स्लोप्स. हो सकता है स्टीप स्लोप हो माउंटेन्स का. The mountains are the highest land forms and occupy about 1/4 of the total land area. Total land area का जो 1/4 है बच्चा, वो किसने कवर किया हुआ है? माउंटेन्स ने. और माउंटेन्स जो है वो हाइएस्ट लैंड फॉर्म है, सबसे ज़्यादा हाई लैंड फॉर्म में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी मिलेगी आपको? माउंटेन्स की. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माउंटेन्स आर, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माउंटेन्स आर डिस्कस बिलो. फर्स्ट हम लोग देखेंगे माउंटेन रेंज क्या है. माउंटेन रेंज इज अ सिस्टम ऑफ माउंटेन एंड हिल्स हैविंग पीक्स वैलीज अरेंज्ड इन अ लाइन. माउंटेन रेंज क्या है बच्चा? जहाँ पर आपको हिल्स भी मिलेंगी, पीक्स भी मिलेंगी, वैलीज भी मिलेंगी, और एक लाइन में वो सारी माउंटेन्स होंगी. ये क्या हो जाएगा बच्चा? माउंटेन रेंजेस. ठीक है, माउंटेन चेंज में क्या होगी बच्चा? सेवरल पैरेलल लॉन्ग एंड नैरो रेंजेस होंगी. लॉन्ग रेंजेस भी हो सकती हैं, नैरो रेंजेस भी हो सकती हैं, और पैरेलल रेंजेस होंगी. ठीक है, माउंटेन चेन में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. माउंटेन सिस्टम, अ माउंटेन सिस्टम हैज सेवरल माउंटेन रेंजेस सेपरेटेड बाय वैलीज. बहुत सारे माउंटेन्स होंगे पर वो एक दूसरे से किससे सेपरेट होंगे बच्चा? वैलीज से. ठीक है, कॉर्डिल्रा, कॉर्डिल्रा क्या है बच्चा? इज अ स्पैनिश टर्म विच रेफर्स टू सेवरल माउंटेन ग्रुप्स एंड सिस्टम. कॉर्डिल्रा क्या है बच्चा? एक ऐसा सिस्टम है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है ये एक स्पैनिश वर्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे माउंटेन ग्रुप्स आएंगे, सिस्टम्स आएगा. ठीक है, इट इज जनरली अ ह्यूज माउंटेन बेल्ट. ये माउंटेन्स का एक बहुत बड़ा बेल्ट है, स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट अक्रॉस द एंटायर कॉन्टिनेंट. जैसे कि हम लोग देखें वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, जो किसका एग्जाम्पल है बच्चा? जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, एक पूरा के पूरा सिस्टम काम कर रहा है. देखो बताओ, माउंटेन्स आर ऑफ वेरियस हाइट्स एंड शेप्स. माउंटेन्स बहुत सारे हाइट के, बहुत सारे शेप्स के होते हैं. दिस वेरिएशन आर ड्यू टू द एज ऑफ द माउंटेन. और ये वेरिएशन क्यों है बच्चा? क्योंकि हर माउंटेन की एज अलग अलग है. हिमालयंस आर यंग माउंटेन्स. हिमालयस फोल्ड माउंटेन का टाइप है और अभी बहुत यंग है, इनकी हाइट कंटिन्यूसली अभी भी बढ़ रही है. देयरफॉर दे आर वेरी हाई एंड हैव कॉनिकल पीक. चाइना और नेपाल का एक जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बहुत जल्दी आपकी बुक्स में न्यू हाइट आ जाएगी. किसकी बच्चा? हिमालय की, माउंट एवरेस्ट की. ठीक है, ये यंग माउंटेन्स इसीलिए बहुत कॉनिकल पीक्स मिलेंगे आपको. हाई तो है ही, पर इनकी जो पीक्स हैं वो भी कॉनिकल मिलेगी. इतनी किस तरीके की पीक्स होंगी? जब माउंटेन्स ओल्ड हो जाता है ना बच्चा, तो उसकी ये पीक ड्यू टू इरोजन क्या होती है बच्चा? राउंड होने लगती है, जैसे अरावली की है. ऑन द अदर हैंड अरावली आर वेरी ओल्ड. अरावली बहुत ओल्ड है, दस दे आर लो, उनकी हाइट भी कम है और राउंडेड पीक्स. इस तरीके से पीक्स मिलेगी आपको किसकी? अरावली की. ओल्ड माउंटेन्स है, अरावली बहुत ओल्ड है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन माउंटेन्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. किस किस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं माउंटेन्स को बच्चा? तो पहला है फोल्ड माउंटेन्स, सेकेंड है ब्लॉक माउंटेन्स, एंड थर्ड वन इज
वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो अगर हम फोर माउंटेन को पढ़ें तो बच्चा आपकी बुक ये बता रही है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स सेम डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे की फेस टू फेस मूव करें, ये वाली भी इस डायरेक्शन में मूव करी और ये वाली प्लेट भी इस डायरेक्शन में मूव करी, तो बच्चा जो नीचे का मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी से बनते हैं फोल्ड माउंटेन। जो हमारे ये हिमालय माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। फॉर स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, वहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट थी वो स्टैगनेट थी, अपनी जगह पे फिक्स थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। बट जो इंडियन प्लेट थी, जो कहाँ से मूव करती हुई आ रही थी, अफ्रीका से मूव करती हुई आ रही थी, वो सबसाइड होना चालू हुई। किसमें? यूरेशियन प्लेट्स में। बीच में था थी ओशन, ये जो ओशन था इसका मटेरियल पूरा ऊपर की तरफ उठ गया और क्या बन गया बच्चा, माउंटेन्स, ठीक है। ये आपको अभी जानने की जरूरत भी नहीं है, जब आप क्लास नाइन्थ में आएंगे जब पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हिमालय पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड, ब्लॉक माउंटेन। अच्छा हाँ, ये अगर आपको और करके देखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपकी जो कॉपी होती है ना, कॉपी में एक पेज को आप यहाँ पर अपने हैंड को प्लेस करते हैं और यहाँ से पेज को फोल्ड करने की कोशिश, फोल्ड नहीं मतलब एक तरीके से प्रेस करें, तो यहाँ पर आपको लगेगा ना ऐसे वो तैयार हो जाएगा पेज का, इसी को बोलते हैं फोल्ड, ब्लॉक माउंटेन्स। अब अच्छा, ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है, ड्यू टू एनी इंटरनल एक्टिविटी व्हाट हैपन, एरिया इज लाइक दैट ओनली बट ड्यू टू सम एक्टिविटीज़ कुछ क्या करेंगे, कुछ पार्ट किसकी तरफ सबसाइड कर जाएंगे, नीचे की तरफ सबसाइड कर जाएंगे। तो बच्चा ये जो पार्ट है ये ऊपर नहीं हुआ, पर क्योंकि ये पार्ट नीचे की तरफ खसक गए तो यहाँ पर क्या तैयार हो गया, ब्लॉक माउंटेन्स। अच्छा एक कंडीशन तो ये होती है, दूसरी कंडीशन में क्या होता है बच्चा, ये सेम एरिया था, सेम एरिया में से जो मिडिल वाला पार्ट था ये सबसाइड कर गया, ये क्या कर गया, सबसाइड कर गया। तो अब नया वाला डायग्राम कैसे बनेगा बच्चा, ये एक माउंटेन बन गया, नीचे वाला एरिया सबसाइड कर गया, एक माउंटेन ये बन गया, जबकि माउंटेन्स नहीं बन रहे हैं, बस एक एरिया सबसाइड करने की वजह से दो आपको अपलिफ्टेड एरिया दिखने लग जाते हैं, ठीक है। नाउ वॉल्केनिक माउंटेन, वेरी इजी। जब वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं तो लावा बाहर की तरफ निकलता है, जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो ये किसका फॉर्म ले लेता है, माउंटेन्स का, फोल्ड माउंटेन। बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड में जो फोल्ड करके बनी हैं, जैसे हिमालय, अल्प, रॉकी, जांगीज आर फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय, एल्प्स, रॉकी, जांगीज आर द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ये माउंटेन सभी अभी बने हैं इसीलिए इनको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड अरावली वर फॉर्म्ड मच अर्लियर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ओल्ड फोल्ड माउंटेन। So your ma'am will make a question like this, give one example of young mountain, young fold mountain and give one of old fold mountain. So what will you give? Young fold mountains, Himalaya, old fold mountains, Aravali. Originally, the rock strata of the fold mountains was hid down as sediments in water bodies. Beta, basically jo rock strata hota hai, ये कहाँ पर मिलता है बच्चा, वाटर में, है ना। रॉक स्ट्रेट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स आर लेड डाउन एज सेडिमेंट्स इन वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में सेडिमेंट्स की तरह होते हैं। ये जो रॉक स्ट्रेटा होता है वो धीरे धीरे अपलिफ्ट करना चालू करता है, उस पर हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्सेस लगते हैं जिससे वो क्रैम्बल कर जाता है और उसके टॉप में क्या आ जाते हैं, आर्चेस एंड ट्रफ्स आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर दिखाया है कि बेसिकली अगर हम हिमालय की बात करें तो वो जो सेडिमेंट्स थे वो कहाँ पर थे, तैथीय ओशन में, कहाँ पर थे, तैथीय सी में। अब तो वो है नहीं क्योंकि उससे क्या बन गया, ओल्ड फोल्ड। तो तैथीय सी में जितने भी सेडिमेंट्स थे उन पे जब फोर्स लगा, कंप्रेशनल फोर्स लगा, तो वो किस क्या बन गए उनके अंदर, आर्क और ट्रफ्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल टेंशनल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल टेंशनल फोर्सेस की वजह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, विच कॉजेज क्रैक्स एंड फोल्ड्स। जब दोनों साइड से फोर्स लगेगा तो बीच में क्या आ जाएंगे बच्चा, क्रैक्स एंड फोल्ड्स। जब वो क्रैक्स आ जाएंगे अर्थ क्रस्ट में, धीरे धीरे से जो फॉल्ट होंगे वो ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक द क्रस्ट इंटू द ब्लॉक, और वो फॉल्ट क्रस्ट को ब्लॉक्स में तोड़ देगा।
when these blocks are raised, block mountains are formed, कई बार blocks raise कर जाएंगे, कई बार subside कर जाएंगे, दोनों ही केसेस में क्या बनेगा बच्चा, block mountain, the block mountains have flat top, block mountain का top हमेशा कैसा होगा, flat and steep slopes, slopes कैसे होंगे, steep. Block mountain can also be formed if block on either side of the fault sink downwards. जैसे मैंने बताया second condition में कि जो ये है ये तो अपनी जगह पर ही है पर इसकी जो पड़ोसी है वो subside कर गई, ठीक है. और एक केस और होगा जिसमें क्या होगा, ये वाला subside कर जाएगा और ये वाले अपलिफ्ट होंगे. Black forest in Germany, Vosges in France, Saint-Nevada in California, Salt Range in Pakistan. जो Salt Range है पाकिस्तान में, Nevada, Saint-Nevada in California, Vosges, these all are the example. Block mountains. Volcanic mountain. Volcanic mountains का जो formation है volcanic activity से associate होता है. जो volcano erupt होता है, magma throughout होता है great force से, फिर ये magma क्या हो जाता है बेटा, accumulate हो जाता है और कोन का शेप ले लेता है और यहाँ पर जो माउंटेन बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, वॉल्केनिक माउंटेन. वॉल्केनिक माउंटेन्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं एटना वेसुवियस इन इटली, एटना एंड वेसुवियस इन इटली, किलिमंजारो इन अफ्रीका, कोटापसी इन कोटापैक्सी इन साउथ अमेरिका, क्रकोटा इन इंडोनेशिया, फ्यूजियामा इन जापान, रेनियर इन यूएसए. फिर से हम पढ़ेंगे एक बार, एटना वेसुवियस इटली में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, कोटापैक्सी साउथ अफ्रीका में है, क्रकाटोआ इंडोनेशिया में है. इसका एक बार प्रोनंसिएशन बेटा गूगल में देख लेना क्या है ना, प्लीज़ एक बार कोटापैक्सी का भी और क्रकाटोआ का भी प्रोनंसिएशन आप गूगल में देखेंगे, ठीक है. फ्यूजियामा जापान में और रेनियर भी यूएसए में. माउंटेन्स हमारे लिए क्यों यूज़फुल है बच्चा, माउंटेन क्यों यूज़फुल है, इसके पहले आपको ये दोनों वर्ड पे का गूगल प्रोनंसिएशन देखना है, ठीक है. माउंटेन क्यों यूज़फुल है, दे हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर बाय फोर्सिंग विंड टू राइज. ये कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि माउंटेन को क्रॉस करने के लिए हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, जब ऊपर की तरफ उठेंगी उनको कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर कंडेंसेशन में चेंज हो जाएगा. दे एक्ट एज एन इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स. अगर आपकी जो कॉन्टिनेंट है या जो आपकी कंट्री है किसी ऐसी प्लेस में आती है जहाँ पर हॉट और कोल्ड विंड आ सकती थी पर उसको रोकने का काम कौन कर जाते हैं बच्चा, माउंटेन्स. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो हिमालय है हमको कोल्ड विंड से बचाता है जो रशिया से आ रही होती हैं, चाइना से रशिया से जो बहुत कोल्ड विंड्स आ रही होती हैं उनको रोकने का काम करता है. रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स, वो रिवर्स जो माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं वो पेरिनियल रिवर्स होती हैं विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर. द माउंटेन स्लोप्स हैव रिच पास्चर एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट. माउंटेन के स्लोप्स पे आपको बहुत अच्छी क्वान्टिटी में पास्चर मिलेगा, ग्रेजिंग ग्राउंड मिल जाएगा आपके कैटल्स के लिए और वैल्यूएबल फॉरेस्ट भी मिलेगा. स्टीप स्लोप प्रोवाइड साइट्स फॉर बिल्डिंग डैम्स जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ये जो स्टीप स्लोप्स होते हैं बेटा यहाँ पर आप डैम्स बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. विथ कूल क्लाइमेट इन समर दे सर्व्स एज टूरिस्ट एंड हेल्थ रिसोर्ट. क्योंकि कूल क्लाइमेट होता है समर्स में तो बहुत सारे लोग माउंटेन रेंजेस पे, माउंटेन्स पे, हिल स्टेशन पे क्या जाते हैं, अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं, वेकेशंस के लिए जाते हैं. सम माउंटेन्स हैव रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल. बहुत सारे माउंटेन्स में मिनरल रिजर्व्स भी हैं. द माउंटेन्स रॉक्स आर वाइडली यूज फॉर बिल्डिंग मटेरियल. माउंटेन्स जो रॉक मिलती है उसका बिल्डिंग मटेरियल बनाने में यूज़ होता है.